तो आज हम सीखने जा रहे हैं यस फाइनली बिलीवर। काफी दिनों से इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम इसे भी हर सॉन्ग की तरह आसानी से सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो इस सॉन्ग को हम सीखने वाले हैं लोअर ऑक्टेव के ए शार्प से। इसमें जो टोन सेट है वो पियानो की टोन है और ये जो मॉडल है इसका नाम है केसियो SA78, जो कि बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है और इस मॉडल पर ही आप लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। तो पहले मैं आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से प्ले होगा, फिर आपको एक एक लाइन को धीरे धीरे नोटेशन के साथ समझाता चलूँगा। तो चलिए अब इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं। लाइन काफ़ी लंबी है तो इसको मैं कुछ भागों में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इतना देखिए, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट ए शार्प लोअर ऑक्टिव का, उसके बाद थिंग, थिंग पहुँचेंगे मिडिल ऑक्टिव के एफ पर, ठीक। फिर डी शार्प फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आमा से, ठीक, ये कैसे, आई एम से, इसको कैसे प्ले करना है, आमा से, ठीक। डी शार्प सी शार्प डी शार्प, दोनों मिडिल ऑक्टेव के, तो ये हो गया आमा से, ठीक। अब इसके बाद ऑल द वर्ड, ऑल द वर्ड कैसे, डी शार्प एफ डी शार्प ऑल द वर्ड, ठीक। और इसके बाद इनसाइड माय हेड, ये कैसे है, क्या किया हमने, इन साइड माय हेड, इन साइड का सी शार्प आ गया मिडिल ऑक्टिव और ए शार्प आ गया लोअर ऑक्टिव, इन साइड, फिर माय के लिए जी शार्प और हेड के लिए ए शार्प, तो इन साइड माय हेड, ठीक। तो कहां तक आपका कंप्लीट हो गया, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसके बाद आम से, इसके बाद ऑल द वर्ड्स और इसके बाद इनसाइड माय हेड, ठीक। ये मैंने टुकड़ों टुकड़ों में आपको समझाया, आप अगर इसको कंटिन्यू प्ले करेंगे इतना तो कैसे प्ले करेंगे, इतना क्लियर हो गया। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में पहले तैयार करो और फिर उसको कंबाइन कर दो और कंबाइन करके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद है, इस तरीके से। अब इसको भी देखिए, सबसे पहले आई एम एफ, कहां से, मिडिल ऑक्टेव का एफ आई एम, फिर फायर्ड, इसके बाद फायर्ड डी शार्प, फिर अप, फिर से डी शार्प, फिर एंड सी शार्प, फिर टायर्ड डी शार्प, फिर ऑफ डी शार्प, फिर द एफ, फिर वे डी शार्प, फिर दैट सी शार्प, फिर थिंग ए शार्प, वापस से आ गया लोअर ऑक्टेव पर, फिर हैव के लिए जी शार्प, बीन के लिए शार्प, ओ के लिए सी शार्प, ठीक। तो इस लाइन को भी एक बार सिंगल फिंगर से देखिए, कंटिन्यू धीरे धीरे, ठीक, क्लियर हो गया। तो एक बार अभी तक जितना भी सीखा है इसको आराम आराम से सिंगल फिंगर से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद होता है
तो ये कैसे होगा, सीधा पहुंचेंगे ए शार्प फिर एफ, ठीक। और फिर इसके बाद जो लाइन शुरू होती है वो यहां से होती है एफ नोट से मिडिल ऑक्टेव के, कैसे, ठीक, लगभग वैसे ही है। क्या किया, एफ डी शार्प सी शार्प ए शार्प जी शार्प ए शार्प और फिर सी शार्प, क्या है ये, कैसे है, ठीक। और वापस से वही ऊ, तो इस बार जो ऊ हुआ है वो अलग हुआ है, पहले क्या था, पहले ए शार्प और एफ था और अब क्या है, ठीक, ए शार्प और ए, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इसको एक बार मैं आपको कंटिन्यू प्ले करके दिखा देता हूं। ठीक, इस तरीके से आपको प्ले करना है। और अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड थिंग वाला, वो सेम टू सेम वैसे ही प्ले करना है जैसे इससे पहले हमने सीखा फर्स्ट थिंग वाला, दोनों सेम है, ठीक है। तो जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट सीखा है इसी को आपको रिपीट कर देना है, तो जो सेकंड वाला पार्ट है सेकंड थिंग वाला वो भी आपका ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ठीक। बस आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से तैयार कर लेना है और उसको रिपीट कर देना है। और इसके बाद जो लाइनें आती हैं बहुत तेज़ी के साथ, आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम ए यंग एज, तो ये लाइनें आपको बहुत तेज़ी के साथ प्ले करनी है और बहुत सिंपल है, इसमें एक ही बटन को आपको काफ़ी देर तक प्ले करते जाना है। तो इसको सिखाने से कोई मतलब नहीं है, मैं स्क्रीन पर नोटेशन दे दूंगा कि कहां से कहां तक आपको कौन सा बटन दबाते जाना है। जैसे कि आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम ए यंग एज टेकिंग माई सॉकिंग टू द मैसेज राइटिंग माई, यहां तक आपको ए शार्प ही प्ले करना है, इस तरीके से आपको प्ले करते जाना है, ठीक है। तो इसको सिखाने से कोई मतलब नहीं है, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा कौन से शब्द के नीचे कौन से नोट्स लगेंगे, वो लगातार आपको कहाँ से कहाँ तक आपको बजाना है एक ही नोट, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। तो ठीक है, एक ही नोट को आप पकड़ लेना और गाने को सुनना एक बार और वैसे ही बजाते जाना, बस कुछ नहीं करना है, ऐसी जैसे जैसे गाने की धुन है उसको पकड़ के वैसे ही करते जाना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी धुन नहीं है जो आपको पकड़ने में मुश्किल हो, बस वो बोलता जा रहा है और आपको बजाते जाना है बस, ठीक है, एक एक नोट को पकड़ पकड़ के। और जब आपका ये एक एक नोट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आती है मेन लाइन जो है, ठीक, इस मेन लाइन को आप सीख लेते हैं। तो लाइन थी ये, यू मेड मी ए, यू मेड मी ए बिलीवर बिलीवर। तो चलिए अब इस पार्ट को भी धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो शुरुआत होगी ए शार्प से, यू यू मेड मी ए, यू के लिए ए शार्प, मेड के लिए सी शार्प, फिर मी के लिए फिर से सी शार्प, फिर ए के लिए सी, तो कैसे हुआ, ठीक। और इसको फिर रिपीट करेंगे, दोबारा होगा, ठीक ठीक है, यू मेड मी ए, यू मेड मी ए। और इसके बाद बिलीवर, बिलीवर कैसे प्ले करेंगे, क्या किया, दो बार ए शार्प फिर सी शार्प, ठीक, बिलीवर बिलीवर, ठीक। और उसके बाद फिर से बिलीवर, मगर अब नोट चेंज हो जाएंगे, दोबारा कैसे प्ले करेंगे बिलीवर, आप क्या किया, सी शार्प सी ए, पहले बिलीवर कैसे प्ले करना है, दोबारा शार्प और सी शार्प। अब इसके बाद दोबारा जब बिलीवर प्ले करेंगे तो कैसे, सी शार्प सी और ए शार्प, ठीक है। तो एक बार सिंगल फिंगर से देखिए धीरे धीरे ये पूरा पार्ट, यू मेड मी ए, यू मेड मी ए बिलीवर बिलीवर, देखिए, ठीक, बहुत ही सिंपल था। और इसके बाद की जो लाइनें हैं वो हैं, यू ब्रेक मी डाउन यू बिल्ड मी अ बिलीवर बिलीवर, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही प्ले करेंगे जैसे इससे पहले अभी हमने सीखी, यू मेड मी ए बिलीवर, ठीक है, सेम ऐसी हमको ये वाली लाइनें प्ले करनी है, कुछ अंतर नहीं है। आप रिपीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये नेक्स्ट लाइन प्ले हो जाएंगी, यू ब्रेक मी डाउन यू बिल्ड मी अप बिलीवर बिलीवर, ठीक। और इसके बाद जो लाइन है वो है, ये बहुत सिंपल लाइन है, इसमें क्या करना है, सी शार्प और डी शार्प प्ले करते जाना है, कैसे, आई लेट द बुलेट फ्लाई और लेट देम रेन, रेन में आपको डी शार्प और एफ
ये प्ले करना है, ठीक। बाकी नोट में क्या करना है, ला 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 ला, ठीक। और लास्ट में रेन आएगा तो रेन, तो कैसे होगा ये, ला 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 ला, ठीक। उसके बाद जो लाइन है वो है सेम वैसे ही है ना, थोड़ा सा अंतर है। तो ये क्या है, ये देखिए, तो ये लाइन है माई लाइफ माई लव माई ड्राइव इट केम फ्रॉम, ये लाइन है। तो इसको कैसे प्ले करना है, इस तरीके से, फ्रॉम जो आएगा वो सी शार्प पर आएगा, बाकी आपको क्या प्ले करते जाना, सी शार्प डी शार्प वैसे ही। तो माई लाइफ माई लव माई ड्राइव इट केम फ्रॉम, फ्रॉम में हमारी जो फिंगर आएगी वो सी शार्प पर आ जाएगी, बाकी हमें ये दोनों बटन दबाते जाने, माई लाइफ माई लव माई ड्राइव इट केम फ्रॉम, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक। और जैसे ही लाइन खत्म होती है उसके बाद चिल्लाता है पेन, ठीक है, ठीक। और उसके बाद वापस से वही लाइन शुरू हो जाएंगी, यू मेड मी ए बिलीवर बिलीवर, ठीक। तो इस तरीके से ये गाना आपको प्ले करना है, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और जो थोड़ी बहुत लाइनें लंबी थी उनको मैंने आपको टुकड़ों टुकड़ों में समझा दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। और इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे थर्ड थिंग्स वाला, तो वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही प्ले करते जाना है, ठीक है। बाकी आगे का सारा जो गाना है वो आपको इजिली ऐसे ही प्ले करते जाना है। पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो आगे की तैयारी करेंगे, जो आगे का जो पार्ट आएगा उसको जब आप प्ले करेंगे तो उसमें आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस रिपीट कर देना है तो ऑटोमेटिक आगे के जो पार्ट होते हैं वो प्ले हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।